अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तज़करा टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ बने बेल आइकन को दबा दें, शुक्रिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी दरिया, डैम या किसी मुआहदे पर बात नहीं कर रहे, बल्कि आज की इस वीडियो में हम एक शख्सियत पर बात करेंगे। वो शख्सियत जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले मार्शल लॉ नाफिज किया। जी हाँ दोस्तों, हम जनरल अयूब खान के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान के साबिक सदर, फील्ड मार्शल और सियासी रहनुमा थे। वो पाकिस्तान की फौज के सबसे कम उम्र और सबसे ज्यादा रैंक हासिल करने वाले फौजी थे। वो तारीख में पाकिस्तान के पहले फौजी आमिर के नाम से भी याद किए जाते हैं, जिन्होंने 1958 में सिविलियन हुकूमत का तख्ता उल्टा और इक्तदार पर कब्जा करके मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। सदर अयूब खान को पाकिस्तानी फौज का पहला मुसलमान आर्मी चीफ होने का एजाज भी हासिल है। अयूब खान 14 मई 1907 को हरिपुर हजारा के एक गांव रेहाना में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मुकामी इलाके से ही हासिल की और इसके बाद 1922 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मगर तालीम मुकम्मल न की क्योंकि इस दौरान आपका दाखिला रॉयल मिलिट्री अकेडमी में हो गया था। अयूब खान ने मिलिट्री अकेडमी में बहुत अच्छा वक्त गुजारा और अयूब खान को पंजाब रेजिमेंट शेरदिल में तैनात कर दिया गया, जो अब पंजाब रेजिमेंट के नाम से मशहूर है। जंगे अजीम दोम में आपने बतौर कप्तान हिस्सा लिया और फिर इसके बाद बर्मा के महाज पर मेजर तैनात किए गए। क़याम पाकिस्तान के बाद अयूब खान ने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की। इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी में अयूब खान का 10वां नंबर था। जल्द ही अयूब खान को ब्रिगेडियर बना दिया गया और फिर 1948 में मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज का सरबराह बना दिया गया। 1949 में मशरकी पाकिस्तान से वापसी पर आपको डिप्टी कमांडर इन चीफ बना दिया गया। सदर अयूब खान ने 17 जनवरी 1951 से लेकर 26 अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तानी फौज के सरबराह के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। 1953 से लेकर 1958 तक अयूब खान पाकिस्तान की फौज के कमांडर इन चीफ के साथ साथ वफाकी वजीर दाखला और वजीर दिफा भी रहे। पाकिस्तान बनने के 8 साल बाद 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर किया गया। इस नए आइन के मुताबिक गवर्नर जनरल को जो असेंबलियां बर्खास्त करने के इख्तियारात थे, वो इख्तियारात उससे वापस ले लिए गए। इस नए आइन के नाफिस होने के बाद सिकंदर मिर्जा, जो पहले पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने खुद को सदर बना दिया। सदर बनते ही उन्होंने कुछ अरकान असेंबली को अपने साथ मिलाया और एक साजिश की कि वो आम इंतखाबात अपने वक्त पर नहीं होने देंगे। इसके बाद सियासी बहरान अपने उरूज को पहुँचा तो उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ अयूब खान को हुक्म दिया कि वह मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दें। अयूब खान ने 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज करके बतौर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के 1956 के आइन को मंसूख कर दिया और फिर सिकंदर मिर्जा, जो कि पाकिस्तान के सदर थे, उनको भी उनके ओहदे से बरतरफ किया और 27 अक्टूबर को सदर का ओहदा भी संभाल लिया। ये पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ था जो आज़ादी के 11 साल बाद हुकूमतों की मुसलसल नाकामी, सियासत के ऐवानों में होने वाले जोड़ तोड़, मुकर्रा मुद्दत के दौरान आम इंतखाबात के ना होने की वजह से भी लगाया गया। ये एक तल हकीकत है कि आवाम की अक्सरियत ने इस मार्शल लॉ को कबूल किया और बदकिस्मती से मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दोनों में इस वक्त इस मार्शल लॉ के खिलाफ ना ही कोई आवाज़ उठी और ना ही कोई तहरीक चलाई गई। अयूब खान ने मार्शल लॉ के खौफ को पूरी तरह और बहुत ही कम मुद्दत में फौज के जरिए इस्तेमाल किया और उसके बाद फौज को अपनी छावनियों में वापस भेज दिया गया और उसके बाद बाकी तमाम मामला सिविल इंतजामिया के जरिए बहुत ही खूबी से सरंजाम दिए गए। सिविल इंतजामिया इसलिए भी अयूब खान से बहुत डरती थी कि उन्होंने ओहदा संभालते ही 300 से जायद अफसरान को उनके ओहदों से फारिग किया। फिर अयूब खान की यह खुशकिस्मती थी कि इन्हें जनरल मोहम्मद मूसा जैसा कमांडर इन चीफ मिला था, जिसने अयूब खान का हर मौके पर पूरी तरह साथ दिया। अयूब खान की एक खूबी ये थी कि वो अमूमन काबिलियत और अहलियत की बुनियादों पर अपने वज़रा और आला अफसरान को तैनात करते थे और इस अमल में अंदेशों को भी नज़रअंदाज कर देते थे। इसकी बड़ी मिसाल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की काबीना में शमूलियत थी। हालांकि अयूब खान को यह मालूम था कि साबिक सदर सिकंदर मिर्जा की अहलिया नाहिद अफसानी और भुट्टो की अहलिया नुसरत भुट्टो आपस में कज़ने हैं और सिकंदर मिर्जा ने ही भुट्टो को सिर्फ 24 या 25 साल की उम्र में पाकिस्तानी वफ्द में शामिल करके अक़वामे मुत्तहिदा भेजा और फिर काबीना में बतौर वफाकी वजीर शामिल भी किया। अयूब खान इसी दौरान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कारकर्दगी और जहानत से वाकिफ हो गए थे और यही वजह थी कि इन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपनी काबीना में शामिल किया और इसी तरह उनकी काबीना में जितने भी लोग थे तकरीबन सभी मेरिट की बुनियाद पर शामिल किए गए। जमहूरियत पसंदों के बिल्कुल बरअक्स
अयूब खान पाकिस्तान में मुकम्मल या आवामी एतबार से बराह रास्त जमहूरियत के कायल नहीं थे और इसीलिए इन्होंने इक्तदार में आते ही सदारती निज़ाम हुकूमत के तहत बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम मुतारिफ करवाया। यूँ इन्होंने बुनियादी जमहूरियत के तहत पहले इंतखाबात करवाए और वह इंतखाबात बलदयाती नौइयत के थे। इसके लिए मशरिकी और मगरबी पाकिस्तान में 40,000 छोटे हलकों से बीडी मेंबरान ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की और बुनियादी जमहूरियत के इन मुंतखब अरकान को इलेक्ट्रोल और कॉलेज का दर्जा दिया गया। फिर इन 40,000 बीडी मेंबरान ने सूबा मशरिकी पाकिस्तान और सूबा मगरबी पाकिस्तान में सूबाई असम्बलियों के अरकान को मुंतखब किया। इसके बाद दोनों सूबों यानी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के कुल 80,000 बीडी मेंबरान जो अपने छोटे हलकों के कौंसलर भी थे, इन्होंने पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अरकान को मुंतखब किया और इन्हीं 80,000 अरकान ने बराह रास्त अयूब खान को पाकिस्तान का सदर भी मुंतखब किया। इस तरह अयूब खान सबसे ज़्यादा बाइख्तियार सदर हो गए जिन्होंने 1962 का आइन नाफिज किया और ये बुनियादी जमहूरियत का सदारती निज़ाम कौमी और आलमी सतह पर भी तस्लीम किया गया। लेकिन जहाँ तक बात थी मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत पर यकीन रखने वालों की, तो उन्होंने इस इकदाम पर सख्त तरीन एहतजाज किया। सदर अयूब खान की हुकूमत को दो अदवार में तकसीम किया जा सकता है। पहला दौर 1958 से 1964 तक का है, जिसमें मगरबी पाकिस्तान में अयूब खान बहुत मकबूल रहे और मशरकी पाकिस्तान में भी इनको कबूल किया गया। इस दौरान मुल्की और कौमी सतह पर सियासतदान तकरीबन खामोश रहे और बहुत हद तक बेबस नजर आए। सियासी सरगर्मियां मांद पड़ गई। इसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि हुकूमत ने बहुत सख्ती की थी। मुल्क भर में ब्यूरोक्रेसी और पुलिस हुकूमत से मुकम्मल तआवुन कर रहे थे। इजहार ख्याल पर इस हद तक पाबंदी लगा दी गई कि आम अवामी मुकामात पर यह नोट आवेदा किया गया कि सियासी गुफ्तगू करना सख्त मना है। अयूब खान ने इक्तदार में आते ही भारत से मशहूर जमाना सिंध तास मुआहदा भी किया। उस जमाने में किसी भी मुल्क की मुस्तहकम तरक्की की बुनियाद सनती तरक्की को ही समझा जाता था। जहां तक ताल्लुक ज़रात का था, तो उस वक्त तक टिड्डी दल, सैलाब, खुशकसाली और फसलों की दीगर बीमारियों पर साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों ने काबू नहीं पाया था और आज के मुकाबले में फी एकड़ पैदावार निसफ से भी कम थी। बदकिस्मती से अयूब खान के दौर में सनती तरक्की के मुकाबले में ज़री तरक्की पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी ज़रूरत थी, जबकि सनती तरक्की के लिए सनतकारों और सरमायाकारों को बेपनाह मराहत और फ़ायदे दिए गए। ड्यूटी टैक्सों में ज़रूरत से ज़्यादा छूट दी गई और मज़दूरों की तनख्वाहें भी ज़्यादा नहीं की गई। सोशल सिक्योरिटी के कवानीन मज़दूरों के हक में नहीं थे। सरमायादारों और सनतकारों के नफ़ा की शरह बहुत ज़्यादा थी। कराची और चंद बड़े शहरों की आबादी में तेज़ी से इजाफा होने लगा और उस वक्त पाकिस्तान में दही आबादी का तनासब 76% था, मगर सालाना कौमी बजट का 80% शहरी नौइयत के मंसूबों पर खर्च किया जाता रहा। इन तमाम बातों के बावजूद सदर अयूब खान अपने इक्तदार के पहले दौर में यानी 1958 से 1964 तक मकबूल और कामयाब सदर थे। इसकी बुनियादी वजूहत ये थी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिना और लियाकत अली खान के बाद कौमी रहनुमाओं और सियासतदानों ने अवाम को मायूस किया था। 1958 में मार्शल लॉ के आगाज़ पर मुल्क भर में मुनाफाखोरों, ज़खीरा अंदोज़ों और दीगर जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया गया। इस दौरे हुकूमत को अवामी एतबार से पाकिस्तान का सुनहरी दौरे हुकूमत कहा जाता है, मगर खारजा पॉलिसी के हिसाब से पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अमेरिका और बरतानिया के ताबे था, क्योंकि पाकिस्तान को उस वक्त आज़ाद हुए कुछ ही अरसा हुआ था। इसलिए पाकिस्तान हर मामले में अमेरिका और बरतानिया की मदद का मुंतज़िर रहता था। जनवरी 1965 में होने वाले सदारती इलेक्शन में अयूब खान के मद्दे मुकाबिल मुतहिद अपोजिशन ने मोहतरमा फातमा जिना, जो कि कायद आज़म की बहन थी, उनको अपना उम्मीदवार खड़ा किया। मगर अयूब खान ने तकरीबन 49,000 वोट हासिल किए, जबकि मोहतरमा फातमा जिना ने 28,000 वोट हासिल किए। इन इलेक्शंस के बाद अयूब खान पर शदीद धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया और पूरे मुल्क में उनके खिलाफ एक तहरीक खड़ी हुई। साथ ही साथ अयूब खान ने अपनी सियासी कम्पेन में मोहतरमा फातमा जिना पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद अयूब खान के अवामी तशख़्स को शदीद नुकसान पहुंचा। सदर जनरल अयूब खान की हुकूमत का दूसरा दौर उनके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रहा। भारतीय वज़ीर आज़म की मौत के अगले ही साल 1965 में मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों ने जद्दोजहद आज़ादी तेज़ कर दी और पाकिस्तान की सियासी और इखलाकी हमायत उनके साथ थी। अयूब खान को भुट्टो ने यकीन दिलाया 90% उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा और अगर इसी तरह यह जद्दोजहद आज़ादी इसी रफ्तार से जारी रही तो भारत को मजबूरन कश्मीर को छोड़ना पड़ेगा।
मगर 6 सितंबर 1965 को भारत ने मगरबी पाकिस्तान में कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा सिंध और पंजाब में भी मिलने वाली बैनुल अक्वामी सरहदों पर पूरी कुव्वत के साथ और अचानक हमला कर दिया। भारत अपनी फौज के लिए बड़ी मकदार और तादाद में असला सोवियत यूनियन से खरीदता था, इसलिए उनके मुश्किलात पाकिस्तान के मुकाबले में कम थी। पाकिस्तान को इस जंग में भारत पर बरतरी हासिल थी, खसूसन कश्मीर में पाकिस्तान जंगबंदी के लाइन से आगे बढ़ गया था और जब ताशकंद में मुआहदा तय पा रहा था तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सदर अयूब खान को यह मशवरा दिया कि बैनुल अक़वामी दबाव के तहत यह ज़रूरी है कि दोनों मुल्क अपनी अपनी फौजें ज़माने अमन की पोजीशन पर सरहदों पर वापस ले आएँ। लेकिन कश्मीर अक़वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के तहत एक मुतनाज़ इलाका है जिसको अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हल होना है और यहाँ आलमी सतह की तस्लीम शुदा सरहदें नहीं हैं, इसलिए मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी फौजें जहाँ तक आगे बढ़ चुकी हैं वहाँ तक नई जंगबंदी की लाइन करार दे दी जाए। मगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस एतराज़ के बावजूद जब ताशकंद का मुआहदा तय पाया जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने कश्मीर में भी अपनी फौजें वापस पीछे बुला ली तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एहतजाजन वजारत खारजा से इस्तीफ़ा दिया और मीडिया टॉक के जरिए अयूब खान पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पाकिस्तानी सिपाहियों का खून और उनकी इज्जत को बेच दिया है। सदर अयूब खान के लिए अब दो चैलेंजेस खड़े हो गए थे, एक तो मुहतरमा फातिमा जिन्ना के हवाले से और सदारती इंतखाबात को लेकर अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता था, दूसरी तरफ ताशकंद मुआहदे को लेकर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो काबीना से अलहदा हो चुके थे और उन्होंने अयूब खान पर शदीद तनकीद शुरू कर दी थी। 1967 में भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल पार्टी कायम की और अयूब खान की मजहबी माशी और अवामी पॉलिसीज पर शदीद तनकीद शुरू कर दी। भुट्टो की तहरीक के साथ साथ मशरकी पाकिस्तान में भी अयूब खान के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान की तहरीक सरगर्म हो चुकी थी। अयूब खान ने भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान को पाबंद सलासिल कर दिया, इससे अयूब खान के खिलाफ नफरत में मजीद इजाफा हो गया। 1968 में अयूब खान पर एक कातिलाना हमला भी हुआ जो कि नाकाम रहा। 1969 में अयूब खान ने अवामी लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी तमाम अपोजिशन पार्टी से मुजाकरात के लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इसमें भी नाकामी हुई। मुल्क भर में अयूब खान के खिलाफ एहतजाज ने खाना जंगी सी सूरत हाल इख्तियार कर दी, पुलिस के लिए बलवाइयों को रोकना मुश्किल हो गया और बिल आखिर 25 मार्च 1969 में अयूब खान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल यहया खान को मुल्क का नया सदर बना दिया। अगरचा सदर अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की, पाकिस्तान ने भारत के साथ सिंतास मुआहदा किया जिसके बाद पाकिस्तान ने पानी के मसाइल के हल के लिए मंगला डैम बनाया और तरबेला डैम की बुनियाद रखी गई, मगर साथ ही साथ 1965 की जंग, 1965 के सदारती इलेक्शन और मुआहदे ताशकंद ने अयूब खान के तशख्खुस को बहुत भारी नुकसान पहुँचाया। अयूब खान के जवाल की एक वजह यह भी थी कि अवाम मुसलसल 10 साल आमिर हुकूमत से बेजार आ गई थी। अयूब खान का मुकम्मल दौरे हुकूमत किसी भी आईनी हुकूमत की मुद्दत से 2 गुना ज़्यादा बनता है। इस पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वक्त से फ़ायदा उठाया और देखते ही देखते पूरा मुल्क हंगामों की लपेट में आ गया। तलबा यूनियन ने भी अयूब खान के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिए और मजबूरन अयूब खान को अवाम के आगे घुटने टेकने पड़ गए। अयूब खान ने जब इक्तदार छोड़ा तो उसके कुछ अरसे बाद ही वो दिल के आर्ज़े में मुब्तिला हो गए और फिर आखिर 19 अप्रैल 1974 को इसी आर्ज़े कल्ब की वजह से 66 साल की उम्र में इस्लामाबाद में वफात पाई। उनकी वफात के बाद उनको फौजी एजाज़ के साथ दफन किया गया। इंशाल्लाह ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।